तो गाइस हमने लिया एक हीरो वीरो ट्रेड। कल हमने कोई ट्रेड नहीं दिया था, आप देख सकते हैं, चॉपी मार्केट था। आज भी एक ऐड करवाया था स्कैल्पिंग, बट उसमें कंफर्म नहीं हुआ तो मैंने वो भी रिमूव करवा दिया। फिलहाल 38,600 का सीई हमने लिया है, आप देख सकते हैं, प्राइस टॉप लॉस सबके साथ। थोड़ा लेट हो गया मैं रिकॉर्ड करने में बिकॉज ट्रेड अचानक से पॉपअप हो गया, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं टाइमिंग तो परफेक्ट ही थी ट्रेड की, आप जाके देख लेना चार्ट्स पे। तो हमारी एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट इधर ड्रॉ करके दिख रहे हैं आपको। तो कोई मूवमेंट आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों दिया ये ट्रेड में। ऐसा नहीं है, स्टॉप लॉस मैंने बड़ा इसलिए दिया ताकि सडन मूवमेंट आ जाए तो अपन एक्चुअली एटलीस्ट लॉस को थोड़ा कम कर सकें। अभी आप देख सकते हैं मॉडिफाई भी करवा दिया है, एस एल कितना था और कितना करवा दिया कम, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमारा अभी उधर ही चल रहा है, प्राइस में इतना कुछ खास अभी तक मूवमेंट आई नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मूवमेंट आती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके तो गाइज़ आप देख सकते हैं 295 का हाई बना चुका है, यानी कि 30 से 35 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। मैं टेलीग्राम पे भी इनको अपडेट कर देता हूँ कि टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अभी चांसेस लगते हैं और ऊपर जाने के, बट अपन को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रीज़न की कि ये ट्रेड का रीज़न क्या था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर की स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल जो बनाई थी वो क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट वीक है, ठीक है। और उसका हाई ऑलरेडी दूसरी कैंडल ने तोड़ दिया, दूसरी यानी कि 4-5 कैंडल के बाद उसने हाई तोड़ दिया। उसके बाद उसके उसका क्लोजिंग तोड़ दिया था, उसके बाद उसका हाई भी तोड़ दिया, आप देख सकते हैं क्लियर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स वेट कि एक और बार कंफर्मेशन आ जाए। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई थी उसके बाद हमारी एंट्री हुई थी। मैं काफ़ी कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। जब भी ऐसा होता है तब एंट्री अपन को ले लेनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छे मिलते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कितना था एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा ऑप्शंस में कितना था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ अभी। गाइज़ आपको भी कभी ऐसा ट्रेड मिले तो बेझिझक ले लेना, बट हाँ थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर दिया है स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट, तो जो कि अचीव भी हो चुका है एक्चुअल में, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग, थोड़ा लॉजिकल है, बस आप अपना थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। अगर आपको सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, आप देख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इसका प्राइस ऑलरेडी क्या टच कर रहा है, देख लेते हैं। देखिए गाइस, हमारा टारगेट था 295 में हमने एग्जिट करवा दिया, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं हाई 326 का बना चुका है। गाइस कैन यू बिलीव इट, 491 का हाई बना चुका है। हमारी एंट्री तो करीब करीब 270 भी गिन लेते हैं हमारी एंट्री, तो भी आप देख सकते हैं 491 का हाई बना चुका है। प्रीमियम चैनल में फ्री में ऐड होने के लिए आपको शेरखान में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जिनका अकाउंट ओपन हो जाता है वो मेरे को कॉन्टैक्ट करेंगे। जिनका ऑलरेडी शेरखान में अकाउंट है वो भी मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपके लिए दूसरा रास्ता निकाल दूंगा। एंड जिनको ब्रोकर चेंज नहीं करना है वो भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी हम दूसरा रास्ता निकाल देंगे ज्वाइन करने का, ठीक है। एंड ब्रोकरेज चार्जेस एंड काफ़ी अदर बेनिफिट्स भी हमने ऐड लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में शेरखान में अकाउंट ओपन करने के। तो मिलते हैं अगली लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।